हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। कलेक्टिव बार्गेनिंग लेबर लॉ का एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम तीन अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज का जो पहला वीडियो है, इस पार्ट में हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इसके इश्यूज़ क्या होते हैं, इसके फीचर्स के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। ओके, तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है। ओके, सो कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशन ली हुई हैं, एक फिलिपोक्स से और एक आपको दिया हुआ है। तो जैसे कि फिलिपोक्स की डेफिनेशन में यहाँ पर ये बताया गया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग द प्रोसेस ऑफ इन विच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, और एक पार्ट होता है एम्प्लॉयर्स का। ओके, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में कुछ अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर नेगोशिएशन करना होता है, तो वो आपस में कोई भी मीटिंग करके या फिर उसमें कोई भी इश्यू हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई मीटिंग करते हैं या फिर कुछ भी इसी तरीके से प्लान करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, सो विच स्पेसिफाई द नेचर ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर यूनियन रिलेशन। तो ये एम्प्लॉय के यूनियन और एम्प्लॉयर के यूनियन के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको डिफाइन करता है। ये डेफिनेशन है फ्लिपो के अकॉर्डिंग। ओके, और जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ मोड ऑफ फिक्सिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय मीन्स ऑफ बार्गेनिंग बिटवीन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ एम्प्लॉयज। सो एम्प्लॉयज की एक जो बॉडी है यानी कि उनकी जो यूनियन है या फिर उनके लोगों का ग्रुप है, और एम्प्लॉयर्स या फिर मैनेजमेंट का एक जो ग्रुप है, तो एम्प्लॉयर्स यानी कि मैनेजमेंट हो गया, सीनियर मैनेजमेंट हो गया और एम्प्लॉयज हो गए, उनके बीच में जो भी कोई भी टर्म्स हैं एम्प्लॉयमेंट यानी कि वर्किंग कंडीशन कैसी होंगी ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर उनको कितना वेजेस दिया जाएगा, कैसी टेक्नोलॉजी यूज होगी, इस तरीके की सारी जो कंडीशन है वो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स के बीच बार्गेनिंग करके डिसाइड की जाती हैं। द एसेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज बार्गेनिंग बिटवीन इंटरेस्टेड पार्टीज एंड नॉट फ्रॉम, यानी कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस है इसमें जो इंटरेस्टेड पार्टी यानी कि मैनेजमेंट हो गई एक हमारी इंटरेस्टेड पार्टी और दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी हो गई एम्प्लॉयज, तो इन्हीं के बीच में ही बार्गेनिंग होती, कोई अदर थर्ड पार्टी नहीं आ सकती बाहर से जो कि इस प्रोसेस में पार्ट कर सके। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या क्या इश्यू हैं जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर आ सकते हैं। तो जैसे कि पहले की वेजेस और वर्किंग कंडीशन के बारे में हो गया, यानी कि एम्प्लॉयज़ का वेजेस कितना होगा या वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी। इसमें यह नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय कोई भी कितना भी वेजेस मांग लें और मैनेजमेंट उन्हें दे दे, नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मैनेजमेंट उन्हें एक मिनिमल वेजेस प्रोवाइड करे जो कि बिल सही नहीं है। ओके, और जो वर्किंग नॉर्म्स क्या होंगी, ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी 12 घंटे के लिए काम करा सकते हो। ओके, आप अपने डिसाइड कर लिया आपने 12 घंटे काम कराओगे, तो ये भी वर्किंग नॉर्म्स भी सही नहीं है कि आप उनको ब्रेक टाइम नहीं दे रहे हो या फिर इस तरीके का। इंसेंटिव पेमेंट्स के आपने इंसेंटिव स्कीम किस तरीके से अपनी कंपनी में बनाई हुई है, तो ये नहीं है कि आप एम्प्लॉयज़ का हेरिसमेंट कर रहे हो मैनेजमेंट में, और ये भी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ बिना किसी बेसिस के हर बेस पे अपने बिना परफॉर्मेंस के बेस पे अपना इंसेंटिव मांग रहे हैं, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है इसके बेस पे उन्हें इंसेंटिव दिया जाता है। एंड जॉब सिक्योरिटी, यानी कि जॉब सिक्योरिटी, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी को जॉब से निकालती है तो उसको पहले नोटिस पीरियड दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है मैं कि मैनेजमेंट का जब मन होगा किसी को भी निकाल देगी और जब मन होगा तब उसको रख लेगी, तो इसके भी एक प्रोसीजर होता है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी यानी कि आप कब नई मशीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, अगर ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने ऐसी नई कोई मशीन ला दी और जिसको उनके एम्प्लॉय चला ही नहीं पा रहे हैं, तो ये इश्यूज आते हैं जिनमें एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट आपस में डिस्कस करके डिसाइड करते हैं अलग अलग इश्यूज के बारे में, जैसे कि वर्क टूल टेक्निक्स या प्रैक्टिसेस क्या होंगी, आपके टेक्निक्स आप पुराने तो नहीं हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए
सही ना हो, उन्हें हार्म कर सके, स्टाफ का ट्रांसफ़र भी नहीं है मन मर्जी से कर सकें, और ऐसा भी नहीं है कि स्टाफ चाहता ही नहीं है कि उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए, या फिर प्रमोशन की कंडीशंस होंगी तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय चाहता है कि उनका एक साल में ही उनका और उनको सीनियर पोस्ट पे पहुंचा दिया जाए, और या फिर ऐसा नहीं भी नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट चाहे कि हम प्रमोशन करें ही ना। उनकी ग्रीवेंस किस तरीके से सॉल्व की जाएंगी, डिसिप्लिन किस तरीके से होगा, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में अपने मन मर्जी टाइम से आ रहे हैं, एंड हेल्थ और सेफ्टी की जो गाइडलाइंस होती हैं वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, इंश्योरेंस एंड बेनिफिट्स अदर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो या नहीं, और जो यूनियंस होती हैं उनको रिकॉग्निशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, उनकी एम्प्लॉयज़ है वो के लीडर हो गए, उनको एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से हैं, और मैनेजमेंट के और ये और मैनेजमेंट के राइट्स कि मैनेजमेंट के कितना राइट मैनेजमेंट का होगा, या नहीं है कि मैनेजमेंट बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक टाइप का हो जाए कि सारी डिसीजन ले रहा हो रहा है, और ये भी नहीं हो सकता कि एम्प्लॉयज़ है कि मैनेजमेंट से बार बार हर चीज़ पे नेगोशिएट कर रही है, मैनेजमेंट को हर चीज़ मानने के लिए मजबूर कर रही है, ये भी नहीं हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे इश्यूज समझ में आए होंगे। ओके, तो अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग के फीचर्स क्या होते हैं। तो यह एक ग्रुप एक्शन है, यानी इट इज़ अ ग्रुप एक्शन, बिकॉज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग इट इज़ नॉट एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर ग्रुप्स होता है एम्प्लॉयर्स का भी एंड मैनेजमेंट का भी, दोनों आपस में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं दोनों के ग्रुप्स के बीच में लिए जाते हैं, कि जो भी एक कोई इंडिविजुअल इसमें पार्ट नहीं करता है, जो भी दोनों स्टेक होल्डर होते हैं वो पूरा ग्रुप एम्प्लॉयज़ का होता है और मैनेजमेंट का होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये नहीं है कि यह एक प्रोसेस कि एक बार स्टार्ट हो गया फिर ये प्रोसेस बंद हो गया, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हर आज वेजेस के लिए हुआ, कल वर्किंग कंडीशन के लिए होगा, और फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ किसी टेक्नोलॉजी के लिए होगा, यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। इट इज़ अ बाई पार्टी प्रोसेस, यानी कि ये दो पार्टीज़ के बीच, एम्प्लॉयर्स की एंड मैनेजमेंट की, दो पार्टीज़ के बीच होता है, अलग अलग ये नहीं होता कि इसमें और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं कर सकती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल एंड नॉट फिक्स्ड और स्टैटिक, ये प्रोसेस फ्लेक्सिबल होता है एंड ये फिक्स्ड स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। फ्लेक्सिबल मीन्स वी कैन से दैट ऑन एनी कंडीशन देर इज़ नॉट अ रिजिड, और एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट कैन बी रिजिड दैट यू शुड फॉलो दिस, यू मस्ट फॉलो दिस, एंड देर आर अ फ्लेक्सिबिलिटी, देर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन ऑफ फॉर एनी कंडीशन, एंड इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। सो इट इज़ वी कैन से दैट इन द पास्ट टाइम देर वर डिसीजन वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, एंड नाउ दे आर मोर डिपेंड ऑन सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक रीजन्स। सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, थैंक यू, एंड यू कैन फाइंड अदर वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो, एंड यू कैन कमेंट, यू कैन राइट वॉट द वीडियो यू वॉन्ट in the comment box. Thank you.